आप देख रहे हैं TNB। पूरे ड्यू में देखा जाए तो दलित है, कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो दलित तबका से आया हो और कोई विवाहक आवाज में मतलब दलितों के लिए काम करता हो। जो लोग सरकार की पॉलिसीज का खंडन करते हैं उनको जेल में आज भरा जा रहा है। रतन लाल बोल रहे थे, साफ साफ कह रहे थे कि अगर किसी को लगता है तो मैं उसको कोऑपरेट करने को तैयार हूँ, लेकिन वो कोऑपरेट करने के बजाय उनको जिस तरह से अरेस्ट करके रातों रात 10:30 बजे ले जाया गया, ये सीधा सीधा एक मैसेज देना है कि अगर कोई सांप्रदायिकता, दलित इत्यादि जो डिस्क्रिमिनेशन के सवाल हैं उस पर सवाल करेगा तो उसको बंद कर दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के 8 फैकल्टी में मौजूद हैं, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट संगठन है, तमाम संगठन आज यहां पर आए हुए हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि प्रोफेसर रतन लाल को रिहा जो है वो किया जाए। कुछ है हमारे साथ छात्र, उनसे बात करते हैं क्या कुछ मांगों के साथ आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मेरा नाम आकाश है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ। हमारी यही मांग है कि जो रतन लाल को रात को अरेस्ट कर लिया गया है बिना किसी नोटिस के, उनको घर से उनके घर से उठा लिया गया और एक बहुत लंबे प्रोसेस के जरिए जिनको उनको थ्रेट दिए गए, यहाँ तक कि उनके बेटे को भी थ्रेट दिए गए, उनके परिवार वालों को थ्रेट दिए और कल रात को उनको उठा लिया गया, अब तक रिहाई नहीं हुई। हमारी यही मांग है कि इस देश में आज़ादी को कायम रखा जाए और उनको आज में रिहा किया जाए। लेकिन जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की है उसको लेकर जो है एक्शन लिया गया है। टिप्पणी अगर आपने पढ़ी हो, टिप्पणी के किस प्रकार से उन्होंने खुद, अगर वो टिप्पणी ऑब्जेक्शनेबल होती रतन सर, सबसे पहले वो टिप्पणी अपनी फेसबुक पोस्ट डिलीट कर देते। वो टिप्पणी आज भी वहीं पे है, आप सब मीडिया उसे देख पा रही है, राइट। द थिंग इज कि अगर वो टिप्पणी इतनी ऑब्जेक्शनेबल होगी, एक प्रोफेसर है, वो पढ़ा लिखा है, क्या उसे ये नहीं पता था कि ये गलत है? ये जस्ट एक अपना व्यक्त अपने उन्होंने एक सरकास्टिकली चीज कही और इसका मतलब ये नहीं है। आप यहाँ पे एक आम शिक्षक को रातों रात उठा लेते हैं, वो कहाँ से संवैधानिक है? दिनों दहाड़े उन्होंने अरेस्ट नहीं किया, उनको पता था कि सर के साथ इतने सारे स्टूडेंट्स हैं कि सब आएंगे, टीचर्स हैं, सर के 2002 से सर हिंदू कॉलेज में है, मैं सर का मेरे साथ सर के हमारे परिवार के साथ पारिवारिक संबंध है, मैंने देखा है बचपन से आज तक सर को हमेशा समाज के लिए कार्य करते हुए। ईशान को, उनके बेटे ईशान को थ्रेट्स आ रहे हैं, उनका परिवार को थ्रेट्स आ रहा है। जब डिप्लोमेटिक लड़ाई है तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप परिवार तक कहाँ पहुँच रहे हो? क्या लेफ्ट कभी भी मोदी जी के परिवार या अमित शाह के परिवार तक जाती है? आपको क्या, आपको डिप्लोमेटिक लड़ना नहीं आता है? आप पारिवारिक मसलों में घुस रहे हैं, आप उनके फेसबुक से उनके परिवार की फोटोज ले रहे हो, उनको मैसेजेस कर रहे हैं, ये तरीका है? एक छोटे बच्चे को आप मैसेज कर रहे हो, आपकी लड़ाई उसके पिता से है, आप उससे बात कीजिए। आप सर को फोन करके, जितने भी लोग सर को फोन करके धमका रहे हैं, लेकिन धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है और तमाम धाराओं में मामला भी दर्ज। धार्मिक भावनाएं, रही बात धार्मिक भावनाएं की, तो धार्मिक भावनाएं हमारी इतनी नाजुक हो चुकी है कि हर चीज पे आहत हो रही है। वहाँ पे आहत नहीं हो रही है जहाँ पे आप एंटी वुमेन बातें करते हैं, जहाँ पे BJP के कुछ लोग जाके, जहाँ पे मोदी जी खुद बेटी बचाओ जैसी शब्द बोल जाते हैं, वहाँ पे कोई धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती है। धार्मिक भावना वहाँ आहत होती है जहाँ पे आपको एक किसी न्यूज के ऊपर अगर कोई अपना एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज कर रहा है, तो धार्मिक भावनाएं तो इतनी नाजुक हो चुकी है कि एक पत्ते को तोड़ो तो वहाँ पे धार्मिक भावनाएं है। तुलसी, कुत्ता, हर चीज से हमने धार्मिक भावनाएं जोड़ रखी है। कभी उल्लू को हम भगवान का दर्जा मान लेते हैं, वो भी नहीं तो चूहे से भले ही हम घर में इतना परेशान होंगे पर हम उसे मारेंगे नहीं, क्योंकि उससे हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी है। तो हमारी धार्मिक भावना इज लाइक छुई मुई का फूल हो गया है, हर चीज पे आहत हो सकती है। और ये धार्मिक भावनाओं से कहीं ज्यादा मुझे लगता है बैकवर्ड क्लासेस को दबाने का एक तरीका है जो कि मोदी सरकार करना चाहती है, जो कि राइट विंग करना चाहता है। Yeah, come on, yeah, come on.
लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी के 8 फैकल्टी से आजादी की मांग की जा रही है। आजादी मांग रहे हैं आप लोग किससे? हम गांधीवाद से, मनुवाद से, पूंजीवाद से आजादी मांग रहे हैं। हम अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आजादी मांग रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं आज? हमारी पहली मांग ये है कि प्रोफेसर रतनलाल को अरेस्ट किया गया रातों रात, उनको रिहा किया जाए, उनके ऊपर जो भी फर्जी चार्जेस लगाए हैं उनको तुरंत हटाया जाए और सरकार उनसे माफी मांगे कि उनको इस तरीके की पीड़ा झेलनी पड़ी सरकार की वजह से। तमाम धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का उन पर आरोप लगाया गया है। अरे जो प्रोफेसर रतनलाल का जो पोस्ट था उसमें साफ साफ एक इतिहासकार उसमें दिख रहा है कि एक प्रोफेसर, एक प्रगतिशील व्यक्ति अपने विचार को रख रहा है। ऐसा क्या मामला है जो आजकल के आजकल जब तमाम बुद्धिजीवी में तमाम इंटेलेक्चुअल है अगर फैक्ट पे बात करते हैं तो उनको धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंचाने के नाम पर गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आपको लगता है जिस तरीके की टिप्पणी की गई थी वो करनी चाहिए? बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल गलत। उन्होंने साफ साफ अपनी ट्वीट में अपने पोस्ट में शायद वर्ड का इस्तेमाल किया है कि शायद ऐसा हो सकता है, और इतिहासकार है वो, अपनी अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो इस देश में जिस तरीके से तमाम दलितों पर, तमाम मुसलमानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, आज बात सिर्फ प्रोफेसर रतनलाल की नहीं है, आज बात तमाम इस देश के दलितों की, सताए हुए लोगों की, और हम वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इस यूनिवर्सिटी के, इस देश के तमाम प्रगतिशील युवा सड़कों पर आएंगे, आंदोलन तेज करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रावण कुमार है। हाँ, और मैं रेडियो का स्टूडेंट हूँ। बस हम लोग की यही डिमांड है कि जल्द से जल्द प्रोफेसर रतनलाल को रिहा किया जाए, क्योंकि तो पूरे ड्यू में देखा जाए तो दलित है, कोई ऐसा प्रोफेसर नहीं है जो दलित तबका से आया हो और कोई विवाह आवाज में मतलब दलितों के लिए काम करता हो। उनके अगर यूट्यूब चैनल अम्बेडकर नाम अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो संविधान के रास्तों पर चलने वाला इंसान है। लेकिन आप हिंदू हैं और जिस तरीके आई एम नॉट ए हिंदू, आई एम ए दलित, क्योंकि बाबा साहब ने खुद लिखा है कि मतलब भारत में दलित जो है वो हिंदू नहीं है। अगर जिन्हें विश्वास नहीं हो तो भारत का संविधान या अम्बेडकर की राइटिंग पढ़नी चाहिए। लेकिन आप नारे लगा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ कि बीजेपी दलित विरोधी? नहीं, बीजेपी दलित विरोधी है ही, क्योंकि अगर आप देखो पूरा ड्यू में उठा कर देखो कितने दलित का प्रोफेसर बने हुए हैं। अगर कोई पावर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में देखो कितने दलित का प्रोफेसर बने हुए हैं। पार्लियामेंट में अगर बड़े पद पर देखोगे तो कितने दलित का मतलब दलित के लोग बैठे हुए हैं। जो मतलब ये जो सरकारें हैं वो दलित के शिक्षा पे, बेरोजगार पे सबसे ज्यादा मतलब प्रहार कर रही है। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है जो प्रोटेस्ट आज यहाँ से आप लोग कर रहे हैं, आज जो प्रोटेस्ट आप लोग यहाँ से कर रहे हैं उसकी आवाज जाएगी वहाँ तक और प्रोफेसर को छोड़ा जाएगा? बिल्कुल। और आप ये समझिए कि खास कर इस समय में किस तरह से जीएन साई बाबा, किस तरह से जो समाज का इंटेलेक्चुअल तबका है उसका जो एक डिसेंट है उसको कर्व करने की लगातार कोशिश कर रही है। तो चाहे वो कोई भी आंदोलन हो, वो छात्री है जो अपोजिशन बनकर आई है, वो छात्री है जिसने अपना विरोध दर्ज कर जो वो सत्ता में बैठे लोग हैं जो बहरे हो गए हैं उनके कानों तक वो शोर किया है और वो बातें हुए हैं, है ना। चाहे आप किसान आंदोलन को देखें, इन सबसे प्रेरणा लेते हुए हम यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक कि प्रोफेसर को रिलीज नहीं किया जाता। तो एक ही मांग की जा रही है कि प्रोफेसर रतनलाल को जो है वो रिलीज किया जाए। और कुछ लोगों से बात करेंगे। मैम आपका नाम? आबादेव हबीब। मैम आज जो यहाँ से मांग उठी है क्या लगता है कि जहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है वहाँ तक पहुँचेगी? मेरे ख्याल से ये आवाज़ पहुँच रही है और इस आवाज़ से ही डर के रात को प्रोफेसर रतनलाल को एक तरीके से हिरासत में लिया गया, क्योंकि सरकार इन्हीं लोगों से डरती है कि स्टूडेंट और टीचर उनके समर्थन में उतरेंगे। लेकिन मैम कहा जा रहा है कि जिस तरीके से टिप्पणी उन्होंने की है उसके खिलाफ जो है मामले दर्ज कर गए हैं और कहा गया है सीधे तौर पे कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए या तो लोगों की हत्या हो रही है धर्म के नाम पे। किस तरीके से रामनवमी और हनुमान नवमी और हनुमान दिवस मनाया गया, किस तरीके से यहाँ पे बीजेपी के नेता खुलकर कहते हैं कि हत्या करो और रेप करो,
क्या उससे किसी का कोई आहत नहीं हो रहा है? जो रतन लाल के ही पोस्ट पे हजारों लोगों ने लिखा कि तुम्हारे बच्चे को मार देने की धमकी दे दी, रतन लाल को मारने की धमकी दे दी, क्या वो वायलेंस नजर नहीं आ रहा है हमें? तो ये जो डिस्प्रोपोर्शनेट मामला चल रहा है जहाँ पे हम सिर्फ हर्ट फीलिंग की बात कर रहे हैं, विवेक की बात नहीं कर रहे, उन्होंने एक तरीके से अपनी पोस्ट में सरकास्टिकली कहा कि ये शिवलिंग नहीं है, ये विवाद फालतू में खड़ा किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान में देश को घसीटा जा रहा है, एक तरीके से उन्होंने उस बात को कहा। इसमें बहस हो सकती है लेकिन आप गिरफ्तार कर लेंगे, जेल भेजेंगे, ओपिनियन बिल्डर्स को सरकार जो है, जो लोग विचार रखते हैं, जो लोग सरकार की पॉलिसीज का खंडन करते हैं, उनको जेल में आज भरा जा रहा है। आपको लगता है कि मैम जो ज्ञान व्यापी में मिला है वो शिवलिंग है या नहीं? नहीं, ये फैसला मैं नहीं कर सकती, ये तो आर्कियोलॉजिस्ट को फैसला करना है, मैं तो एक लेमैन हूँ। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि जहाँ हमें आज़ादी के समय ये देश मिला, हम उसके बाद बनाएंगे, हम पुरानी चीज़ों को खोदने लगे तो कितना नीचे जाएंगे और कहाँ जाएंगे। देखिए अफगानिस्तान जो है ना, पत्थरों के नीचे दब गया धर्म के नाम पे। जब भी धर्म और वो भी मेजॉरिटी का एक फैशिज्म चलता है, उसकी ट्रेजेक्ट्री सेम होती है, विनाश की होती है। जब नुकसान होगा तो 80% हिंदू का नुकसान होगा। रतन लाल भी हिंदू है बाय बर्थ, तो ये किसका नुकसान है? आप एक दलित नेता को मार रहे हैं, आप दलित नेता को जेल भेज रहे हैं, जो कई लोगों को, कितने दिमागों को इग्नाइट करता है, प्रोत्साहित करता है, उसको आप जेल भेज रहे हैं, तो नुकसान किसका होगा? जो 80% है उसका नुकसान होगा। जो आज दिल्ली के 8 फैकल्टी से शुरुआत हुई है प्रदर्शन की, ये और आगे कहाँ तक जाएगी? ये शुरुआत तो कल रात के 11 बजे ही हो गई थी मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन, तो ये तो चलेगा। अगर यहाँ पे जुल्म बढ़ेगा तो उसके खिलाफ भी प्रदर्शन बढ़ेगा। हल्ला बोल, हल्ला बोल, टूरिस्ट से चल के बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस की तरफ से जो ये एक्शन लिया गया है, किस तरीके से देखते हैं? ये एक ज्यादती है, विश्वविद्यालय परिसर के साथ ज्यादती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी बोलने और स्वतंत्र रूप से बोलने, पढ़ने, समझने, इसकी एक स्पेस है। आज उसी स्पेस को स्क्विज किया जा रहा है, उसको मरोड़ने का काम किया जा रहा है, उसकी गर्दन को मरोड़ने का काम किया जा रहा है। रतन लाल बोल रहे थे, साफ साफ कह रहे थे कि अगर किसी को लगता है तो मैं उसको कॉपरेट करने को तैयार हूं, लेकिन वो कॉपरेट करने के बजाय उनको जिस तरह से अरेस्ट करके रातों रात 10:30 बजे ले जाया गया, ये सीधा सीधा एक मैसेज देना है कि अगर कोई सांप्रदायिकता, दलित इत्यादि जो डिस्क्रिमिनेशन के सवाल हैं उस पर सवाल करेगा तो उसको बंद कर दिया जाएगा। ये एक मैसेज देने का काम किया है, इसीलिए हम लोग आज यहाँ विरोध कर रहे हैं। सर, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और यहाँ से आजादी की मांग की जा रही है, यही आपने तो बहुत ही पिन पॉइंट कर दिया एकदम से सही। जिसको खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग, यही पर परसों ही अमित शाह आए थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि विश्वविद्यालय कॉन्फ्लिक्ट, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट का स्पेस नहीं होना चाहिए, और खुद देखिए उसी यूनिवर्सिटी में उस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो एक है दिखाना, जो खाने के और दांत, दिखाने के और दांत, ये सरकार वैसे ही हाथी बन गई है जो एक तरफ अमृत महोत्सव मना रही है स्वाधीनता स्वतंत्रता का, और दूसरी तरफ से व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी आजादी, उसकी समानता, ये जो अधिकार है उसी पर हमला किया जा रहा है। स्टूडेंट बड़ी संख्या में जुटा है उनको समर्थन देने के लिए, प्रोफेसर भी बहुत से यहाँ पर आए हुए हैं, आगे और क्या अब स्टेप रहने वाला है यहाँ से अभी आवाज, और कहाँ तक आज सवाल है कि आज कोर्ट क्या कहती है, ये हमें देखना है, क्योंकि हमें तो अभी ये भी नहीं पता है कि उनको किस कोर्ट में ले जाया जा रहा है, उनको पेश किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, रात में कहाँ रखा गया है, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो सवाल ये है कि एक तत्काल जब हमें रात में खबर मिली कि यहाँ हम इकट्ठा हों और इसका विरोध करें, प्रदर्शन करें, वो हम कर रहे हैं, आगे उसके बाद क्या कोर्ट में होता है नहीं होता है, उसके बाद जो सब मिलकर तय करेंगे उसके हिसाब से हम आगे। सर, ज्ञान व्यापी में सर्वे के दौरान जो तथ्य मिले हैं, क्या आप उन तथ्यों से समर्थन है? कहा जा रहा है एक पक्ष जहां कह रहा है कि शिवलिंग मिला है, दूसरा पक्ष उस चीज को मना कर रहा है, आप किस पक्ष में? देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ
कि एक कोई है जो कह रहा है कि उसकी भावना आहत हो गई। रतनलाल क्या कह रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। रतनलाल कह रहे हैं कि जो पहली बार वो तस्वीर आती है सामने, तभी रतनलाल कह रहे हैं कि ये तस्वीर जो है वो शिवलिंग नहीं है, ये उनका एजम्पशन है कि, और तभी वो सवाल खड़े करते हैं अगर ये शिवलिंग है तो। हाँ, तो सवाल उठता है कि एक 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 इतिहासकार पहली बार जो तस्वीर आ रही है उसको किस नजरिए से देख रहा है। आप उसकी भाषा के व्यंग को आप जिस भी रूप में लें, लेकिन कम से कम अगर आप शिवलिंग मानते हैं तभी आपकी भावना आहत होगी। लेकिन रतनलाल उसको शिवलिंग नहीं मानते हैं, इसलिए उनका इंटेंशन नहीं है कि वो भावनाओं को आहत करें। और ये जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है वो सरासर गलत है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। ज्ञानव्यापी मामले पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है और प्रोफेसर रतनलाल को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं आर्ट फैकल्टी यहां पर मौजूद है और यही इसी यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर वो कहे जाते हैं। और उन पर तमाम धाराओं में अगर हम बात करें तो 153A और 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मुकदमा उन पर दर्ज किया गया है। और जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने अपने पोस्ट में लिखी थी उसको लेकर ही ये एक्शन लिया गया है। मैं वो टिप्पणी क्या थी ये आप जो मेरे जो साइड में स्क्रीन चल रही है इस पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके की टिप्पणी फेसबुक पोस्ट में उन्होंने की थी। लेकिन उसके बाद एक्शन लिया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके विरोध में यहाँ पर तमाम संगठन जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि रतनलाल को रिहा किया जाए। अब देखना यही रहेगा कि जो प्रोटेस्ट आज यहाँ पर किया जा रहा है इससे कितना असर होगा। और सवाल यही उठता है कि क्या इस प्रदर्शन के बाद प्रोफेसर रतनलाल की रिहाई होगी या नहीं। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़ दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।